गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह क्या बजे, 9 बज गए ब्लॉग शुरू करने में। बहुत सारे काम थे, कर रही थी, और ऊपर से कल गैस खत्म हो गया था। सुबह गैस लाए, अभी आंटी के घर सब कुछ काम किया, और आज भी बहुत सारे सामान पहुँचाने हैं नए घर में। तो गाड़ी आ रही है और तैयारी भी हो रही है, और क्या, चलिए सब दिखाती हूँ आप लोगों को धीरे धीरे। ये देखिए, एक ट्रक जाने के बाद भी कितने सारे सामान है। 3 बोरिया इधर, बड़े बड़े 3 बोरिया, और बिस्तर ये रहेगा, ये और ये और ये, बेड चला जाएगा, खाट चला जाएगा, और बिस्तर ले जाने में आसानी होगी, लेकिन बेड रह गया तो मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए 2 दिन नीचे ही सो लेंगे। और क्या करें, हाँ चलिए बाहर दिखाती हूँ और क्या है अभी। ये शोकेस, टीवी, और छत पर भी कुछ ही है सामान, फैन वगैरह, और स्टैंड फैन भी जाएगा अंदर का। ये मिक्सी नया वाला, छोटा वाला, और ये देखिए अभी ये इतने सारे जमा हुए हैं बस्ते में, बहुत सारे बर्तन, मिक्सी, और ये मसाले का जो ट्रे, ये जाएगा, ये रहेगा, ये रोज के है ना, ये रहेगा, ये सब जाएगा। और इस घर में, हाँ इस घर में भी है, लाइट चलाती हूँ, ये खटिया जाएगा, मशीन, और प्रीतम का ये ट्रे जो बुक और कॉपीज रखता है, वो नीचे का ऊपर जो कॉपीज और बुक रहेगा, अभी तो एग्जाम बाकी है तो वो रहेगा बाकी, और वो बोरिया भी है, पता नहीं आज भी एक ट्रक में होगा कि नहीं, अभी देखते हैं, एडजस्ट तो आज करना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 दिन अगर गाड़ी बुलाओ तो मेरे हस्बैंड एकदम हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या ये सब सामान लाया है, बाप रे, रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं तुम्हारी वजह से हुआ, इतने सारे सामान तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बोला और मैं लाया, तुमने क्यों जिद की। और ये बात नहीं है, मैं कुछ लाने को बोलती थी जरूरत के, और लेकिन वो क्या क्या घर में लाते थे बोलो, सब कुछ मेरे मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन अभी दोष मुझ पर ही आ रहा है कि तुमने किराए के घर में रहते हुए भी इतने सारे सामान क्यों जुटाए, क्यों खरीदा, क्यों खरीदने को जिद किया, बोलो, पता नहीं वहां पे जाकर कहाँ रखेंगे, सब चीजें रख देंगे ऊपर, हम ऐसे बैठ जाएंगे क्योंकि पैर रखने का सोने का जगह नहीं मिलेगा, इतना छोटा घर है और इतने सारे हमारे सामान है। अभी चलो थोड़ा खा लेती हूँ, 9 बज गए, और फिर देखती हूँ कब गाड़ी आए, और लंच भी बनाना पड़ेगा, लंच की तैयारी चल रही है। ये देखिए ड्रमस्टिक, आलू और झींगा पोस्ट तो बनेगा, पपी सीट डाल के मेरे हस्बैंड चढ़ाया है, फिर नीचे गए, दूध वाला नहीं आया, पता नहीं क्यों, दूध का बिना तो चलेगा नहीं, पिता क्या खाएगा, हम रात को क्या खाएंगे, तो वो गए हैं, दूध वाला आया, हस्बैंड ने देखा घूम रहा था, दूध दे रहा था दूसरे घर, लेकिन हमारे घर में नहीं आया, आलू सी के घर में फोन दिया, हाँ उनके घर में दिया है, पता नहीं क्यों नहीं आया, दूध नहीं हो तो नहीं चलेगा, अब क्या करेंगे, कॉफी की अभी पीसना बाकी है, फिर बच्चे के पीसूंगी, और इसमें दाल देने से बन जाएगा यम यम सब्जी, बहुत प्यारा है ये सब्जी हम सबको, और चावल करा दिया है, और मैं क्या कर रही हूँ देखिए, चलिए चलिए दिखा दूँगी, ये देखिए धनिया पीस ली, और कुछ पीसना भी बाकी है, कुछ सब पीस के एक कांच के जार में भर लूंगी, थोड़ा ये पीस दिया है, अभी ये ठंडा होने के लिए रख दिया, ठंडा होने के बाद कांच के जार में भर दूंगी, बहुत दिन तक चलेगा, और घर में बनाए हुए मसालों की कोई तुलना नहीं होती, इतनी खुशबू, थोड़ा सा दे दो काम चल जाता है, और बाहर के मसाले भी सब एकदम फालतू फालतू क्या क्या सब डालते हैं पता नहीं, घर में ही ज्यादातर मसाले में बनाती हूँ, हाँ लाल मिर्च भी, लाल मिर्च भी बनाने पड़ेगी, खत्म हो गई, वो लाए नहीं, लाल मिर्च भी बनानी थी, एकदम ही खत्म हो गई, देखती हूँ बोलती हूँ लाल मिर्च ला देना, तो कल बना लूंगी वो, तो मसाले एकदम रेडी हो जाएगा बहुत देने के लिए। लंच रेडी, आज ज़्यादा कुछ नहीं बना, देख रही हो घर की हालत और हम कैसे गुजारा कर रहे हैं,
इतना सारा सामान पैक करना, ऊपर से लंच किया, ज़्यादा बनेगा? ये बना है ड्रम स्टिक, दिखाया था आप लोगों को जब मैं बना रही थी, ड्रम स्टिक आलू और झींगा पोस्तो पपी सीड डाल के जो बनाते हैं हम, पोस्तो बोलते हैं। और ये मछली, सरसों मछली टमाटर डाल के, और ये जो नीम के पत्ते के साथ बैंगन। शाम हो गई, गाड़ी लग चुकी है सामान ले जाने के लिए। ये देखो मेरी सिलाई मशीन की क्या हालत है, को कितने दिनों से मैंने सिलाई नहीं की, इसको देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, तो देखो गंदा हो गया अंदर ही अंदर। ऊपर से ऐसे झाड़ देती थी लेकिन अंदर अंदर कितना गंदा हो गया। अब उठाएंगे सब सामान, तो मैं देखने आई, मशीन का ऊपर हिस्सा उठाया तो देखा, बाप रे, मैं थोड़ा झाड़ देती हूँ तो साफ हो जाएगा, तो झाड़ दिया। ये मेरा सबसे प्यारा था, अभी देखो इसको छूती भी नहीं मैं। अभी मेरे हस्बैंड इस रूम का बेड जो है वो खोल रहे हैं, और बोरियों को भी बांधना पड़ेगा, सब रेडी करके मैंने दिया है। बिस्तर रह जाएगा, नीचे सोएंगे, नहीं तो अरुषिका जो घर था उधर एक चौकी है, तो वो बोला ले लेने को 2 दिन के लिए, नहीं तो नीचे ही सोएंगे। क्या होता है नीचे सोने से? कुछ नहीं होता, अलग फीलिंग आती है, अलग फीलिंग। आप नहीं समझोगे, जो लोग नीचे नहीं सोते नहीं समझोगे, अलग लगता है एकदम। ये सब बोरियों को बांध रहे हैं और मैं छत पर देख रही हूँ, और कुछ रह तो नहीं गया, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी, भारी चीज़ ले जाना मुश्किल होगा, टोटो में जाएंगे ना लास्ट दिन में, तो देख लिया अच्छे से। अभी मैं घर का जो कोना है उसे साफ करने में लगी हूँ, ये देखा नहीं था पहले मैंने, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ पे जो है मैं सब बेच डालूंगी। यह सब पुराने किताबें हैं, डायरी है, कॉपी है, ये कोई काम का नहीं, उस घर में मैं लेकर नहीं जाऊंगी। ये मेरे एग्ज़ाम के थे, जब मैंने सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी तो उस वक्त के सब किताबें हैं, बहुत सारे किताबें हैं। अभी मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगी, और सोच लिया है, बहुत टेंशन होती है, शुगर बढ़ जाता है, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना है, यही नौकरी करनी है, बस फिर मर जाना है जब मेरा टाइम आएगा। वैसे तो वारंट जारी हो चुका है, सिर्फ डेट फाइनल होना बाकी है कि कब मैं यहाँ से ऊपर के घर चली जाऊँगी, भगवान के घर चली जाऊँगी। और ये देखो बहुत सारे चीज़ें भी मिले, जो धागे अच्छे वाले मैं सिलाई करती थी पहले वो मिले, कुछ पैसे मिले, कुछ जो लेड है लेड मिले, और बहुत सारे ऐसे कोने में रखती गई और वो रहता गया। और जो किताबें हैं वो बेचकर मैं बर्तन खरीदूंगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। हाँ 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 अभी साफ किया, बुरा हुआ, अभी ये सब भी साफ करना है। और बेड आरुषि के घर में एक है, बोला है रात को देंगे, जिसको चौकी बोलते हैं, चौकी है, उसके ऊपर बिस्तर डाल के 2 दिन हम गुजारा कर लेंगे। और प्रीतम को अभी ट्यूशन देने जाना है, इसलिए मैं थोड़ी रेडी हुई हूँ, पास में है तो उसको देकर आ जाती हूँ, नहीं तो मुझसे तो पड़ेगा भी नहीं, और फालतू में चिल्लम चिल्ले होकर उसको देकर मैं आ जाती हूँ, उसके पापा लेकर आ जाएंगे। अभी उसको दूध पिलाना है, अभी तक घर नहीं आया, मुझे नीचे उतर के उसको लाना पड़ेगा लग रहा है, तो जाती हूँ उसको लेकर आती हूँ, खुद दूध पीती हूँ, फिर उसे देकर आऊँगी। अभी हम निकल रहे हैं ट्यूशन के लिए, देखिए देखिए इसका चेहरा, देखिए क्या पड़ेगा, बहुत बदमाश खेल कर, देखो चेहरे की हालत क्या होगी। छोड़कर वापस आ गई, क्या लाई है देखिए, वेजिटेबल, बहुत मन किया, चलने का सब कुछ खराब नहीं है, वेजिटेबल बहुत अच्छा बनाते हैं, 5 रुपए लेते हैं लेकिन बहुत अच्छा बनाते हैं, तो लेकर आ गई। मन हुआ खाने को, फुचका खाने वाली थी लेकिन सोचा नहीं कल तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो पेट गड़बड़ हो गई, तो और फुचका खाकर मेरा पेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो कम ही खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, तो सोचा कि वेजिटेबल ले लेती हूँ, वेजिटेबल से उतना उतना पेट नहीं बिगड़ता। और प्रीतम बहुत बदमाशी कर रहा था, मैंने बहुत समझा कर उसके पापा को वीडियो कॉल लगा कर बोल कर आई, और अभी पढ़ेगा और उसके पापा लेकर आएंगे। अभी मैं घर का सब काम कर लेती हूँ, जो जो सफाई का है, और सूजी रवा को मैं बहुत 4-5 पैकेट एक साथ थोड़ा रोस्ट करके ऐसे ही कढ़ाई में थोड़ा गर्म करके रख दूंगी डिब्बे में, तो वो चल जाएगा बहुत दिन, मतलब सुबह को जल्दी जल्दी बन जाता है, आप सब्जियों के साथ जल्दी जल्दी बना लेते हो सूजी, मुझे तो चाहिए रोज, कल भी चाहिए, कल बनाऊंगी किसके साथ, यही सोच रही हूँ, सब्जी तो है नहीं है, थोड़ा बीन्स है, बीन्स के साथ ही बनाऊंगी, और क्या करूंगी बोलो, नहीं है तो क्या करूंगी, और फ्रिज नहीं है तो सब्जियाँ खराब हो जाएंगी, तो लाने को भी नहीं बोला मैंने। और
हाँ क्या, उसके पापा अभी तक आए नहीं, सामान लाद के चले आ रहे हैं, कुछ नहीं समेटा, कुछ नहीं ठीक ठाक से लगाया घर में। मैं क्या करूंगी, एक साथ जाकर सामान का पहाड़ रह जाएगा। उफ, मैंने बोला कि रोज चलो दोनों मिलकर शाम को चलते हैं, तो पहले दिन जो सामान लेकर गए थे उसको सेट कर लेते, फिर दूसरे दिन आज जो सामान लेकर गए वो सेट कर लेते तो आसानी होती। तो गए ही क्यों, 2 दिन 5 दिन 10 दिन से सामान समेट रहे हम, तो करना ही क्यों था। 12 तारीख को एक बार में सब सामान लेकर चले जाते, एकदम लाद करके हम फिर सजाते। देखो ये तो एक ही बात हुई ना कि आप एक साथ हम सामान लेकर चले जाओ फिर सजाओ, और 2-3 दिन तक 5 दिन तक ऐसे सामान समेटते रहो फिर ऐसे रख के चले आओ बिना सजाए बिना खोले सब कुछ। बात तो एक ही हुई, लेकिन बोलेगा किसको, बोलेगा कौन, बाप रे गुस्सा करेंगे। मुझे आज भी लेकर नहीं गए और कल से तो मेरी ड्यूटी है, 2 दिन ड्यूटी जाना ही है, विजिट है बाहर से, क्या करूं, पता नहीं क्या करूं। अभी वेजिटेबल खा लेती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा खिला देती हूँ, कई कई ओ, ओ, ओ। बहुत अच्छा बनाता है। ये कंप्लीट करती हूँ, फिर सूजी को रोस्ट करूंगी थोड़ा सा, तब मिलती हूँ। ये देखिए सूजी मैंने चढ़ा दी है, अभी धीमी आंच पे धीरे धीरे 10-15 मिनट में ऐसे हिलाऊंगी, भून लूंगी अच्छे से, लाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कच्चापन जो है वो निकल जाए। फिर मैं ये डब्बा रेडी है, साफ करके धूप में रख के एकदम सुखा लिया है, इसमें डाल दूंगी। और चम्मच कहाँ गया, हाँ इस चम्मच से माप करके निकालूंगी, 4 चम्मच लगेगा मुझको रोज, ऐसे आसानी होती है कर, क्योंकि सुबह सुबह प्रीतम का भी टिफिन बनाना पड़ता है स्कूल के लिए और मेरा भी, तो प्रीतम जो खाता है मैं खाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाती है, पराठे वगैरह आलू भाजी वो सब रोज नहीं चलता, हफ्ते में एक दिन तो ठीक है, इसलिए मुझे ये खाना पड़ता है सब्जियों के साथ ये सूजी बनाकर, नमक डालकर जो मैं खाती हूँ उससे मुझे अच्छी फील भी आती है, पेट भी भरा रहता है और बहुत देर बाद घर लौटो तो भी उतनी परेशानी नहीं होती, एनर्जी रहती है, बहुत एनर्जी रहती है, इसलिए मैं ये तैयार करके रखती हूँ, एक तरफ प्रीतम का बनाऊंगी और दूसरी तरफ 5 मिनट में मेरा टिफिन बन के रेडी हो जाएगा। तो और क्या, कुछ नहीं, प्रीतम के पापा को बोला आटा ला दो, आटा खत्म हो गया है, दूध वाला आया था शाम को आया था, उसने बोला कि आप लोग मुझे पैसा दे दिए, तो मैंने सोचा और दूध नहीं लोगे, तो मैंने बोला तुम्हें पैसा तो उस महीने का दिया था मैंने, इस महीने इतने दिन दूध दिए हो और 3 दिन मैं दूध लूंगी अभी, तो तुम बिना दूध दिए क्यों चले गए, मुझे मुझे ऐसा ही लगा, बहुत सीधा साधा है, उतना सम मतलब घोर पैच नहीं है उसमें, तो ऐसे ही बोला उन्होंने, नहीं तुम्हारा पैसा बाकी है ऊपर से और 3 दिन में मुझे दूध लेना होगा, मेरा बच्चा क्या खाएगा। तो फिर शाम को दे कर गया और बोल रहे थे कि बस मैं चला दूंगा तब दूध, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं रोज सेंटर तो आऊंगी नहीं, और किस बस में आऊंगी किस टेकर में आऊंगी वो भी प्रॉब्लम है, वही पे देखेंगे, वो एक बड़ी बात है, वो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी, दूध अगर ठीक ठाक नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रीतम को 2 बार दूध पिलाती हूँ, अच्छा दूध ना हो तो नहीं पिएगा, बदमाशी करेगा या ची ओ ये सब करेगा, और उसके पापा भी रात को दूध भात ही खाते हैं, सब्जी नहीं खाते, सब्जी मछली नहीं खाते, मैं खाती हूँ लेकिन उसके पापा दूध भात खाते हैं रात को, तो वो अच्छा दूध ना हो तो कैसे खाएंगे, थोड़ा दूध का क्वालिटी तो अच्छा होनी चाहिए ना, अब पता नहीं कैसा दूध मिलेगा वहाँ पे, अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कैसा दूध मिला वहाँ पे। चलो अब ये करके फिर घर एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए हालत, अब ये तो आज साफ नहीं होगा, सिर्फ मैं ये कपड़े वगैरह ठीक ठाक रख देती हूँ, प्रीतम के जो किताबें हैं कॉपीज है सब उस रूम में अच्छे से सेट कर देती हूँ, और ताकि उसे आसानी से मिले। और क्या, आज अचानक घर को ऐसे देखकर मुझे मतलब ख्याल आया कि अगर ऐसे ही रहते थोड़ी सी सामान खाने पीने की चीज़ें और गैस है, गैस और थोड़े बर्तन थोड़े मसाले वगैरह और थोड़े कपड़े और प्रीतम के पढ़ने की चीज़ और बेड नीचे ही होता, सुबह उठते ही हम उसको फोल्ड करके किसी ऊंची जगह पे चेयर पे या टेबल पे रख देती,
रात होते फिर उसको बिछा के सो जाती, फिर शाम को सुबह उठकर साफ कर देती घर, उसी घर में रख खाना, उसी घर में प्रीतम की पढ़ाई और मतलब रूम में, कितना अच्छा होता ना। लेकिन मैंने क्या किया, सामानों से घर भर दिया, तीन रूम बाप रे सामानों से भरे पड़े। ले जाते जाते मेरे हस्बैंड की और जो लोग हैं सबकी हालत तो खराब हो रही थी, क्योंकि इतने सामान पता नहीं कैसे हो गया, आता गया और मैं रखती गई ऐसा हुआ। और कुछ चीजें चाहिए थी, मैंने बोला तो मेरे हस्बैंड ने भी खरीद दिया, ऐसा नहीं बोला कि नहीं दूंगा जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोला, मैं बोलती गई बुलाते गए तो मुझे दोष दे रहे हैं। अभी क्या करूं पता नहीं, वहां जाके कैसे सेट करूंगी भगवान जाने, सब आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलो आज का वीडियो मैं पेंट करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा 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 और उसी की तरफ से।